हल्दी वाला चावल देख के तो समझ ही गए होंगे शादी का है, तो बहुत दूर से घर से आया नहीं होता, आगे जा नहीं पाए तो आधा रास्ता से वापस आ गए हैं। चबाने सकते हैं कि नहीं दांत से? तो बड़ा स्प्राइट वाला बोतल में स्प्राइट नहीं है, इसमें है पानी, ठंडा पानी हम डाल दिए अनुज के पापा के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय जय श्री ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये बोतल का पानी शाम तक ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा बोतल में पानी हम डाल दिए हैं। तो दोस्तों अभी ना अनुज के पापा सुबह सुबह निकलेंगे तो हम चाय बना देते हैं। एक तेज पत्ता ले लिए, चाय में डालेंगे इसको हम। आज अनुज के पापा को अंडा खिला के भेजेंगे। एक एक बूंद इसमें जो बचा है ना उसको भी हम निकाल लेंगे पहले, फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक हल्का सा चुटकी भर। खुटी खुटी अरे उधर देखो, आज फिर से जा रहे हैं, खुटी जा रहे हैं ना, उधर देखो बोलो, खुटी जा रहे हैं। हाँ खुटी है तो जा रहे हैं, जाइए पानी पकड़िए। चल पकड़िए, नहीं चल रहा तो। हाँ पहुँचा दे रहे हैं दरवाजे तक। और तलिया तलिया तो दोस्तों अभी हमको करना है घर का झाड़ू। झाड़ू करने से पहले हम ना बिस्तर को साफ सुथरा कर लिए हैं, बेडशीट को बदल दिए हैं, बदलने के बाद में धोने वाला को इधर रख दिए, और रूम को अभी हमको झाड़ू करना है तो झाड़ू भी हम इधर लेके आ गए हैं। झाड़ू करने से पहले हम पूरे बिस्तर को अपना साफ सुथरा कर लिए हैं और इधर तकिया वगैरह सबको रख लिए हैं इसको हटाने के लिए, तो इसको अभी हम इधर रख देते हैं। तो हमने सोचे कि बेडशीट केवल धोएंगे, फिर अभी रखने ही वाले थे, फिर हम सोचे कि चलो कवर को भी धो लेते हैं और तकिया को हम निकाल देंगे धूप में। एक बार सोचे कि नहीं धोएंगे, फिर मन बना तो हम कवर को भी निकाल दिए हैं धोने के लिए, इसको ले जाते हैं बाहर धूप में। तो हम ना अनुज के पापा का मोजा देख रहे थे, अनुज के पापा आज बोल के गए हैं कि मोजा ले देना, हम उसका मतलब मोजा टी शर्ट ये सब घर में पहनने वाला हम ही खरीदते हैं, अनुज के पापा बहुत कम ही जाते हैं खरीदने के लिए, अभी तक तो गए नहीं है, हम ही खरीदते हैं। तो ना मोजा हम खरीद दिए थे विंटर के समय में, तो हमको पता नहीं रहता है अनुज के पापा को छोटा वाला चाहिए या फिर लॉन्ग वाला चाहिए, तो हम लॉन्ग वाला खरीद दिए थे। तो अनुज के पापा को पसंद तो नहीं आया, क्योंकि अब अनुज के पापा को लॉन्ग पसंद है या फिर शॉर्ट पसंद है वो तो हम नहीं जान सकते हैं ना, तो हम लॉन्ग वाला लेके आ गए थे, तो उसी को आजकल पहनते रहते हैं। तो गर्मी है आजकल, तो अनुज के पापा बोले हैं ना कि शॉर्ट वाला मोजा खरीद के ला देना करके, क्योंकि आजकल बाहर जा रहे हैं रोज़ रोज़, तो शॉर्ट वाला पहनेंगे करके बोल रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं अभी हम जाते हैं दुकान खरीद के ला देते हैं। कल ही बात कर रहे थे कि मोजा खरीद के ला देना करके बोल रहे थे, लेकिन हम ना नहीं गए थे तो नहीं खरीदे हैं, आज बोल के गए हैं कि खरीद के ला देना करके। आगे ये देखिए दोस्तों, दरवाज़ा हल्का खुला है तो कैसे मुंडी को केवल घुसा के सो रहा है, हम बेड में सो रहे थे और यहाँ पर सोया है। तो दोस्तों हम जैसे ही दुकान जाने वाले थे ना, अनुज के पापा एकदम अचानक से भड़ाम के पहुँच गए, हमको फ़ोन करके भी नहीं बताए कि हम आ रहे हैं वापस करके। आगे अनुज के पापा नहीं गए, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है आज ना। क्या हुआ कि अनुज के पापा को पता नहीं था आज बंदी है, तो जा रहे थे और रोड बहुत ज़्यादा जाम था, इसलिए आगे जा नहीं पाए तो आधा रास्ता से वापस आ गए, और अभी हमको बोल रहे हैं कि दुकान मत जाओ। तो हम बाहर आ गए हैं गन्ना खाने के लिए, अनुज के पापा भी लेके आए हैं इतना बड़ा सा, देख सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं कितना खाने सकते हैं, आधा खाएंगे या फिर पूरा खाएंगे। मेरे मायके में गन्ना खूब लगाते हैं, तो हम क्या करते थे रोज़ एक गन्ना का डाली अकेले खा जाते थे, तो अभी इसको हम मज़े से खाएंगे बाहर में बैठ के।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चक्कू हम लेके आए हैं, इससे अभी हम गन्ना को छीलेंगे। बड़ा वाला से अच्छा होता है छीलने के लिए। और साथ में लेके आए हैं पीढ़ा, पीढ़ा में रख के छीलेंगे। काट लेते हैं आधा पहले। चबा पाएंगे कि नहीं चबा पाएंगे? ये वाला गन्ना ना जूस निकालने वाला है, ठेला सब में जूस निकालते हैं ना, वो वाला गन्ना है सफ़ेद वाला। तो इसको हम चबा के देखते हैं, चबाने सकते हैं कि नहीं दांत से। मुश्किल है। गन्ना तो बहुत मीठा है, लेकिन ये वाला गन्ना ना जूस निकालने वाला गन्ना है, तो इसको चबाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इसको ना अभी हम नहीं खा रहे, देख सकते हैं आधा ही खाए हैं। तो इसको अभी हम रख दे रहे हैं, फिर कभी खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत दूर से नेवता आया है, घर से आया है बहुत दूर से। आज जिस टाइम आए ना, उस टाइम हम कुछ भी नहीं पकड़े थे, मतलब दुपट्टा भी नहीं पकड़े थे, तो हमको इसमें ऐसे लेना पड़ा। हम लोग ना एक मिनट, या तो कुछ में ऐसे लेते हैं, हाथ में ऐसे नहीं लेते हैं, दुपट्टा या साड़ी का आँचल में ऐसे करके नेवता को झोंकते हैं, या फिर जैसे हम कॉपी में ले लिए वैसे लेते हैं। तो जिस टाइम आए ना, उस टाइम मतलब हम काम कर रहे थे, अचानक से पहुँचे ना, तो फिर हम दुपट्टा भी नहीं पकड़े थे, तो ऐसे करके यही वाला कॉपी में हम ले लिए थे, ऐसे करके दुपट्टा नहीं पकड़े थे। तो बहुत दूर से नेवता आया है दोस्तों। अभी जा रहे हैं, शाम का 6 बज गया, तो लाइट को हम ऑफ कर लेते हैं, जो इमरजेंसी लाइट है उसको जला के जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, चलेंगे। आज का दिन और मौसम हम लोग के लिए ठीक नहीं है, बार बार रोक रहे हैं। अभी निकलने खोज रहे हैं और बारिश आ रहा है। अनुज पापा आधा रास्ता गए और लौट के आए। तो दोस्तों, बारिश आने के बाद भी ना हम लोग चले गए थे लाने के लिए, और अनुज के पापा भी साथ में गए थे। हम अकेले जाएंगे सोचे थे, फिर बाद में अनुज के पापा बोले कि हम भी जाते हैं साथ में, दो ही जन तो घर में है, तो साथ में चलते हैं करके बोले। और आने के बाद ना, पता ही है बारिश आता है तो लाइट तो रहता नहीं है, तो हम लाइट नहीं थे इसलिए दिखाए नहीं। तो अभी लाइट है तो हम सोचे कि चलो दिखा देते हैं। तो मोजा के साथ में हम लिए हैं, मेरे लिए ही दो लिए, ज़रूरी वाला चीज़ है, और मोजा लिए। मोजा को तो पहन के चले गए अनुज के पापा, और साथ में ले लिए हैं टी शर्ट। अनुज के पापा भी गए थे, तो अनुज के पापा को ये वाला कलर पसंद आया, गोल गला वाला लिए हैं। गोल गला वाला बोले तो गोल गला ले लिए। तो बस इतना ही सामान लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में कोई नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।